बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। 2016 से ये कानून लागू है, लेकिन बिहार के अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें आती रहती है कि यहाँ पर शराब बिक रही है, यहाँ से शराब पी रहे हैं लोग। ऐसे में एक खबर और सामने आई है, इस खबर को लेकर हम बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्रा से। सर, कहाँ की खबर है और क्यों इस बात पर चर्चा हो रही है एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर? जी बिल्कुल, बेहद दिलचस्प भी है, चौंकाने वाली भी है, हैरत अंगेज भी है। तो कि आमतौर पे देखा जाता है कि शराब की डिलीवरी वगैरह में लड़के लोग, कम उम्र के लड़के या पुरुष, ये लोग शामिल होते हैं। जी सर, ये जो खबर चौंकाने वाली, हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि इसमें एक 25 साल की महिला या लड़की बोल सकते हैं, वो शामिल है। उसका नाम रानी देवी बताया जा रहा है, साहेबगंज की रहने वाली है, उम्र 25 साल है और बेतिया पुलिस ने उसको, यानी कि पश्चिमी चंपारण की पुलिस ने उसको मंगलवार को अरेस्ट किया है। दरअसल शराबबंदी के बाद से आपने सुना होगा कि हर जगह होम डिलीवरी की बात सामने आ रही है। खासतौर पर जो बीजेपी के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे हैं कि बिहार में अब फोन कॉल पर शराब की सप्लाई हो रही है। गाहे बगाहे आपने सुना भी होगा, गाहे बगाहे नहीं, अक्सर हाँ जी सर, हमेशा ऐसी खबरें आती है कि तस्कर को शराब लाते पुलिस ने पकड़ा है, कभी बाइक से, कभी स्कूटी से, कभी पिकअप वैन से, कभी ट्रक को तहखाना बना करके, कभी एम्बुलेंस से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब तू तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत कही जा सकती है, चरितार्थ होती है कि शराब बेचने वाले और पुलिस के बीच में जो खेल चल रहा है। एक बार तो मैंने खबर देखा था कि अर्थी में शराब का ये बोतल छिपा करके लाया जा रहा था। हाँ सर, जमीन के अंदर सर, गांव में तो जमीन के अंदर गार करके, और ये ताबूत में भी, ताबूत में भी मैंने खबर पढ़ी थी एक बार कि ताबूत में शराब की बोतलें भरकर लाई जा रही थी और पुलिस को सूचना मिली, गुप्त सूचना मिली और शराब की बोतलें पकड़ी गई। तो यहाँ भी बेतिया में भी शराब बंदी को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव है। बावजूद इसके ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि शराब की तस्करी जारी है। जाहिर तौर पर पुलिस का जो पहला शक जाता है वो लड़कों पर जाता है। जी, कम उम्र के लड़कों से भी, बच्चों से भी ऐसी बातें सामने आ रही थी, लेकिन महिला पर पुलिस का शक नहीं जा रहा था। लेकिन जांच पड़ताल के दौरान जब कई लोगों की गिरफ्तारी हुई तो सामने आई बात कि एक महिला है जो स्कूटी पर सवार होकर होम डिलीवरी करती है, यानी कि ग्राहक फोन करता है उस लेडी को, स्कूटी वाली लेडी को, और फिर वो जहां पे जो एड्रेस दिया जाता है वहां पे वो स्कूटी पर शराब की बोतल लेकर के आती थी और डिलीवरी करके चली जाती थी। जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक ये बातें सामने आ रही है कि उसको उसका जो कोर्ट नेम था, एक जो अलग से जो एक नाम पड़ता है, वो शराब वाली हसीना करके उसको लोग जानते थे, वहां पे फेमस थी। यानी शराब वाली हसीना मीन्स की कोई लड़की है जो, और कहा भी जा रहा है कि दिखने में भी अच्छी है, खूबसूरत है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में पुलिस को शक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पुलिस को ये इनपुट मिला, इंफॉर्मेशन मिली, तो पुलिस उसकी तलाश में लग गई। काफी दिनों से तलाश कर रही थी, लेकिन ये बहुत शातिर बताई जा रही है कि बहुत शातिर तरीके से, शातिराना तरीके से पुलिस को, मतलब इसको भी इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस इसको तलाश रही है। तो ये नंबर बदल बदल करके अलग तरीके से ये बच बचा के काम कर रही थी। लेकिन कहते हैं कि जुर्म की उम्र ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मंगलवार को पुलिस ने आखिरकार नाकेबंदी करके, दबिश करके, गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को बेतिया की पुलिस ने स्कूटी भी जब्त किया, 50 लीटर से ज्यादा शराब भी जब्त की है, स्कूटी भी जब्त की गई है और उस रानी देवी को भी पकड़ा गया है। अब पकड़ करके पुलिस ये पूछताछ करके जानने की कोशिश कर रही है
उसकी ये जो शराब तस्करी में जो शामिल थी उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, जी और लोग इन्वॉल्व हैं तो कौन कौन लोग हैं, कहाँ से उसको शराब मिलती थी, कहाँ कहाँ सप्लाई करती थी, यानी कि वो ग्राहक भी रडार पर हैं जो उनसे उस लेडी से शराबबंदी शराब वाली हसीना से रानी देवी से शराब खरीदते थे। पुलिस महिला से बात करके पूछताछ करके उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, और अब तक जो फाइंड आउट हुआ है पूछताछ में उस लेडी ने जो शराब वाली हसीना ने जो खुलासा किया है वो जी भी चौंकाने वाला है। वो कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया साहेबगंज की रहने वाली बेतिया में ऐसा काम करती थी, लेकिन नीड होने पर यानी कॉल आने पर ग्राहक को अगर जरूरत होती थी मुजफ्फरपुर में भी या पूर्वी चंपारण में भी, यानी कि पश्चिमी चंपारण से सटा हुआ पूर्वी चंपारण जो कि मोतिहारी पड़ता है, तो वहां पूर्वी चंपारण जिले के कई इलाकों में भी ये स्कूटी से ही शराब की सप्लाई करने चली जाती थी। कितनी दूर दूर तक बिल्कुल, और मुजफ्फरपुर तक भी, जो कि मुजफ्फरपुर तो काफी डिस्टेंस है वहां से, जी सर? मुझे लगता है कि 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर से ज्यादा हाँ है डिस्टेंस, वहां भी ये स्कूटी से शराब की सप्लाई करने चली जाती थी। तो ये माना जा सकता है कि ये बेहद शातिर और शातिराना तरीके से इस काम को अंजाम दे रही थी, और कहा ये जा रहा है कि काफी दिनों से, यानी ये भी कह सकते हैं कि 2016 से जो आपने बताया कि शराबबंदी है, तो ये अब 2023 में पकड़ी गई है, तो ये माना जा सकता है कि कई सालों से इसमें वो शामिल थी, लेकिन अब पहली बार उसकी अरेस्टिंग हुई है, और उससे पहले कई लोग शराब की तस्करी में पकड़े गए हैं, लेकिन ये इसका नाम शायद नहीं आया है, या नाम आया भी तो ये पुलिस से बच बचा के ये काम कर रही थी। सर लेकिन एक अब सवाल हाँ शराबबंदी को बिल्कुल, ही लेकर, सर शराबबंदी क्या आपको लगता है कि पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है? और दूसरी बात ये कि कई तस्वीरें ऐसे लगातार आ रही हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांव के हिस्सों से, जहां पर पुलिस पिटती हुई दिखती है सर। नहीं, देखिए बिल्कुल शराबबंदी पूर्ण रूपेण लागू तो है ही, पूर्ण जी शराबबंदी है ही, बिल्कुल है, लेकिन पूछा जाए तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। आप लगातार सुनती होंगी कि नीतीश कुमार इसको लेकर बेहद गंभीर है, जी लगातार नीतीश कुमार सीएम इसकी समीक्षा करते रहते हैं, जरूरत पड़ने पर कानून में कई तरीके के की रियायत दी गई है, बदलाव भी किए गए हैं, हर बार मंशा यही रहती थी, जहरीली शराब से कई लोग काल के जाल में समाये भी हैं, विपक्ष का हमला भी हुआ है, बावजूद इसके नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि शराबबंदी लागू रहे, इसके पीछे मंशा यही है कि शराब जो पहले आप सुनती होंगी कि शराब पी करके लोग हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इन सब चीजों में कमी आई है ये, और ये अप्रिशिएट करने वाला कदम है, लेकिन ये चूक जिस पर इस कानून को संभालने की जिम्मेदारी है, कानून को पालन चढ़ाने की जिम्मेवारी है, जी वहीं से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी शराब तस्करों से मिलीभगत करके ऐसे कार्य को अंजाम दिलवा रहे हैं या शह दे रहे हैं। यही वजह है शराबबंदी सीएम नीतीश सरकार के चाहने के बावजूद अब तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है, यही एकमात्र रीजन कहा जा सकता है, और लगातार ऐसे परिणाम सामने आते रहे हैं। आप हमेशा कोई ऐसा दिन नहीं है जब आप सुनती होंगी कि यहाँ से शराब नहीं पकड़े गए हैं, जखीरा पकड़ा जाता है, खास तौर पे झारखंड से की सीमा से, यूपी की सीमा यूपी से, जी हरियाणा से शराब आती रही है, और पुलिस शराब तस्करों को पकड़ती रही है, लेकिन फैक्ट एक ये भी है कि शराब तस्कर छूट करके आते हैं और फिर से वही धंधा करते हैं, वही काम करते हैं, तो ये पुलिस के लिए बेहद चैलेंजिंग काम है, ये पुलिस के लिए आसान काम नहीं है, और सरकार के लिए भी बगैर पुलिस के सहयोग के इस पर पूरी तरह से रोक लगा पाना आसान काम नहीं है, और पुलिस के
वरीय अधिकारी या डीजीपी साहब भी लगातार इस पर ताकीद देते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, लेकिन आपने देखा भी होगा कि एक तरीका मतलब रिवील होता है, दूसरे तरीके से शराब तस्कर जुट जाते हैं, नए नए तरीके, ड्राम में पेट्रोल, ये आपने सुना होगा कि बाइक के पेट्रोल की टंकी में भी शराब जाता है जी, में शराब रख के लोग लाते हैं जो तस्कर होते हैं। तो तरह तरह से ये काम किया जा रहा है, बेहद पुलिस के हमने सुना है कि आपने देखा भी होगा कि हाल फिलहाल में कई पुलिस कर्मी इसमें शामिल पाए गए हैं और उन्हें निलंबित किया गया, उनकी गिरफ्तारी तक हुई है। तो ये जो बेतिया की जो खबर है, जो 25 साल की जो रानी देवी नाम की लड़की है, महिला है, वो पकड़ी गई है, उसके बाद से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, ग्राहक भी जो शराब खरीदते थे वो लोग भी पकड़े जा सकते हैं। पुलिस लगातार उस महिला से पूछताछ कर रही है। जी सर, थैंक यू सर।